हेलो एंड वेलकम टू अवर 14 ऑनलाइन लेक्चर ऑफ जनरल साइंस ऑफ क्लास 7th. एज यू वेलकम टू अवर 4th न्यू चैप्टर. द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर एनवायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप. इन दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी लर्न अबाउट द इकोसिस्टम. Student will learn about the habitat and its kinds. Student will learn about organism depart to live in a particular habitat. Ecosystem padhandase, habitat and un ja kind padhandase, ai organism ki ekde particular habitat me rahan tha ue be in chapter padhandase. First of all, ecosystem. Ecosystem, an ecosystem is a large community of living organisms like plant, animal, and microbes in a area, in a particular area. Ecosystem एक large community होती है, यानी कि रहने वाली एक जगह वरी होती है, of a living organism जी सावरे जहाँ जलाए सावारे ऑर्गेनिज्म जे लाए एकड़ी वडी जे का एकड़ी कम्युनिटी हुंदी आए जे में प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स जे केन उन में एकड़े पर्टिकुलर एरिया में जे के रहंदा आइन उन के एकड़ो पंजो इकोसिस्टम चयो वेंदो आए. द लिविंग एंड फिजिकल कंपोनेंट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो. जिदा आप लिंक जेका है लिविंग एंड फिजिकल कंपोनेंट है वो लिंक्ड हुंदा है पांजे पान सा मना गंडियल हुंदा है वो पांजे पान सा यानी के छाजे जरिए सा खादे जे खादे साइकिल आ एनर्जी जे फ्लोज आ पांजे पान सा लिंक्ड हुंदा है इन जे करे वो एकड़ो इकोसिस्टम ठेंदा. इकोसिस्टम आर द आर ऑफ एनी साइज बट यूजली they are in a particular place. Ecosystem kede bhi size jo je kede bhi yani ke shab jo je par uha je ka ekde particular place hundi ahe jathe janwar plant animals mahol yani ke jeka bhi bisha je ka janwar wagera jiye microbes je ke no pan me particular area me rahan ute ekdi zindagi panj thayan ae un ke mahol ke je ka ecosystem che vendo ae. नाओ द यानी कि हाँ पा पढ़ा से जेका इकोसिस्टम में किएं टॉपिक अची वो है जैमें माना हाँ हैबिटेट जहा हों प्रोस या टर्म है डिफाइन हैबिटेट पा हैबिटेट के पा ये डिफाइन कर सकूँ था. द नेचुरल होम आर इन्वायरमेंट ऑफ एन एनिमल प्लांट आर अदर ऑर्गेनिज्म एकड़ी एड़ी यानी के नेचुरल एकड़ो होम आर एनवायरमेंट हुंदो आए जेका एकड़ एनिमल प्लांट या वरी अदर एकड़ो या वरी काई बे जेका है पांजे ऑर्गेनिज्म जो उन के पानी इकोसिस्टम चना उन जे होम के पानी जो इकोसिस्टम चना उन जे एनवायरमेंट के इकोसिस्टम चना उन जे रहन सहन के इकोसिस्टम चना जाते हो रहा है. तो नॉर्मली ता ये डिफाइन कर सको ता पर्सन यूज टू परफॉर्म अ सराउंडिंग जे के उन जे सराउंडिंग जे के चीजा थन पी यानी के जे को माहौल में जे का प्रोसेस डन थे पियो उन के वो जो इकोसिस्टम हुंदो है. इकोसिस्टम के पान ये भी डिफाइन कयो सॉरी हैबिटेट जे का हुंदो है जे का ये सॉरी ता के हैबिटेट बुधायो पिया हैबिटेट जी डेफिनेशन ही जे का टॉपिक पान हैबिटेट पढो पिया. द नेचुरल होम आर अ एनवायरमेंट ऑफ एन एनिमल प्लांट आर अदर ऑर्गेनिज्म ये एक नेचुरल होम थींदो आए एनी एलिमेंट या एनवायरमेंट थींदो आए एलिमेंट जो प्लांट जो या वरी अदर कई ऑर्गेनिज्म के लिए यानी कि यह एकड़ो पांजी हैबिटेट प्रोसेस थींदो आए यो एकड़ो हैबिटेट वाली प्लेस थींदी आए. नॉर्मली हैबिटेट के पाणी डिफाइन कर सकूं ता अ प्लेस यूजली अ परफॉर्मिंग और अ परफॉर्मिंग सराउंडिंग जेका एडी प्लेस यूजर जेका यूज थे या पांजी जिंदगी में या वरी उनके वाणी रेगुलर तौर ते इस्तेमाल कई वणी आए
परफॉर्म कई वे परफॉर्म्ड सराउंडिंग के थ्रू से वे हैबिटेट के तुम ये भी डिफाइन कर सकूँ द हैबिटेट द हैबिटेट इज़ द प्लेस ऑफ लिविंग विच प्रोवाइड द ऑर्गेनिज्म ऑल रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव हैबिटेट द अ प्लेस ऑफ लिविंग विच प्रोवाइड द ऑर्गेनिज्म ऑल रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव अड़ी प्लेस होंगी है जिथे यानी कि प्रोवाइड थी ऑर्गेनिज्म के सजू उन रिक्वायरमेंट्स उनके पा हैबिटेट वो इत या हैबिटेट जो टॉपिक इतने खत्म हाँ अचूँ तो पाँच टाइप ऑफ हैबिटेट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स फर्स्ट इक्वाटिक हैबिटेट हों एंड सेकेंड हों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट फर्स्ट अचूँ था इक्वाटिक हैबिटेट से इक्वाटिक हैबिटेट इज द हैबिटेट विद इन वाटर एक्वाटिक हैबिटेट सिंपली चई सकूँ था वो जो वाटर में एन एक्वाटिक हैबिटेट इज एन हैबिटेट विथ वाटर इनक्लूड एरिया दैट आर परमानेंटली कवर्ड बाय वाटर एंड सराउंडिंग एरिया दैट आर अक्यूनसली कवर्ड बाय वाटर्स तो ये ची सो इक्वाटिक्स हैबिटेट जो हों वाटर में जो जानदार रहन था उन्होंने लाइड़ो इक्वाटिक हैबिटेट हों जे भी ऑर्गेनिज्म वाटर में रहन था उन्होंने लाइ हों इट इनक्लूड जानि कि उनमें इनक्लूड हूँ जी परमानेंट कवर्ड बाहर वाटर से जी वाटर से सराउंडिंग हों एरिया हों जैमें पर्सनली वाटर जो एरिया हों जैमें पा नालो दूँ था जी रिवर्स माशस या एस्थ्रेंस जो हूँ या वरी कुछ बया जो एग्जाम्पल ये इक्वाटिक्स हैबिटेट्स जो एग्जाम्पल तुम वी दिल्ली लाइफ में लिवर सॉरी रिवर्स या वरी माशिस जो ग्लेशियर्स भी वी सोता ये सजा जो इक्वाटिक्स के हैबिटेट जहा काइंड हूँ जो नेचुरल लेक थी पाँच या भी हैबिटेट जो काइंड है इक्वाटिक हैबिटेट जो काइंड है आर्टिफिशियल लेक थी वह पौंड थी रिवर थी माशिस स्ट्रीम सी साल्टी वाटर या जी भी हूँ ये जो वाटर से लिंक्ड होजन उनके इक्वाटिक्स हैबिटेट वो हाँ अचे तो पाँच यानि कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो सेकेंड नंबर हैबिटेट जो काइंड है इक्वाटिक हैबिटेट्स आर वंस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर वंस आर वंस दैट आर फाउंड ऑन फाउंड ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स दरअसल जो लैंड से फाउंड जो भी थींदा जो भी पाँचा प्रोसेस लैंड लैंड थियन जमीन से थियन उनके पा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट चुनाव उनमें जी जी फॉरेस्ट अची वो बेलो अची वो या वो जंगल अची वो उनके पा लैंड जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है घास ग्रास लैंड जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है डिजर्ट एंड शोर लाइन्स एंड वीट लैंड जी भी हैं ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जै एग्जाम्पल आज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आल्सो इंक्लूड मेन मेड हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है मानून जो भी हैबिटेट हों तो उत मू जाहिर जमून जमीन से जो है मानून भी सर्वाइव करन था इन करे ये मानून जो भी हैबिटेट चई सकूँ था लाइक फार्म ओंड एंड सिटीज एंड हैबिटेट दैट आर अंडर द अर्थ लाइक केव एंड माइंस हैबिटेट जी पा चई सकता सिटी होंगी है या पाँच उनमें मानू रहन था जमीन ते रहे तो जाहरी गल जमीन वाली शाय जेका भी हुंदी है वह टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हुंदी है जी उनमें जमीन वाले हथ ते रहे था उनके पाने एकड़ो चई सकूं ता या एकड़ी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हुंदे आहिन इते या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पांजो खत्म थे तो नेक्स्ट अचूँ था नेक्स्ट पाँच टॉपिक हो जैनो एनिमल्स जो हाउ ऑर्गेनिज्म डिपार्ट टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट एक ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किड़ा उनमें रही सकन था जो मैं टॉपिक हो हैबिटेट एंड अडॉप्शन यानी कि उन पर्टिकुलर हैबिटेट में कि रहन था
ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ यूनिक इकोसिस्टम। हर ऑर्गेनिज्म के पांजो पांजो यूनिक इकोसिस्टम थींदो आहे, विद इन विच इट्स लीव लाइज। जिते उहे ज़िंदा रहनि था ऐं उते यानी कि उहे सर्वाइव करनि था, हिकिड़ो यूनिक उन्हनि जो हिकिड़ो सिस्टम थींदो आहे। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू अडॉप्ट टू देयर हैबिटेट टू बी एबल टू सर्वाइव। उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो यानी कि आल जेके बि ऑर्गेनिज़म थींदा आहिनि उहे नीड कंदा आहिनि पंहिंजे अडॉप्शन पंहिंजे हैबिटेट खे, जिते उहे सर्वाइव करी सघनि। दिस मीन्स इन जो मतिलबु ईअं चई सघूं था, अडॉप्टिंग टू बी डेवलप टू सर्वाइव द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ इकोसिस्टम। पाण ईअं चई सघूं था त हिकिड़ो अडॉप्शन जेका हूंदो आहे, जेका हुनजो रहन सहन हूंदो आहे, उहा टू बी अवेलेबल टू सर्वाइव, जेका अवेलेबल सर्वाइव कंदो आहे क्लाइमेट कंडीशंस एंड इकोसिस्टम प्रेडिक्टर्स एंड अदर स्पेसिस ऑफ द कंपेट फॉर द सेम फूड फॉर स्पेस। जिते उहो यानी कि हिकिड़ो क्लाइमेट कंडीशन हुजे, इकोसिस्टम हुजे, प्रेडिक्टर जेके बि ठहनि था ऐं उते सेम खाधा तयारु करनि ऐं उहे स्पेस बि हुजनि, यानी कि उते उन्हनि जी हिकिड़े पंहिंजे पंहिंजी हिकिड़ी यूनिक चई सघूं था उन्हनि जी हिकिड़ी इन्वायरमेंट हूंदो आहे जिते उहे रहनि था, यानी कि उहे लिव करनि था। हिकिड़ो पर्टिकुलर हुनजो उन्हनि जो हिकिड़ो हैबिटेट थींदो आहे जिते उहे ऑर्गेनिज़म सर्वाइव करनि था, रहनि था। थैंक यू डियर स्टूडेंट, इट इज़ अवर फॉरेन ऑनलाइन लेक्चर ऑफ जनरल साइंस। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।